गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना बड़ा इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन एंड अदर डेब्ट्स, ये टॉपिक अपने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन एक बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करते समय एक अलाउड एक्सपेंस माना जाता है सेक्शन 32 के अंतर्गत। यदि आप बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो या बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करते समय तो डेप्रिसिएशन है उसको अलाउड एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक्सपेंस डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए कुछ कंडीशंस है जिसको अपने को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसके बाद में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है। जिसमें बताया था आपको कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेने के लिए जो एसएससी है उस असेट्स का जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया उसका ओनर होना चाहिए। सेकेंड, उसके अंदर ये बताया था कि जो डेप्रिसिएशन है वो उसका जो यूज है तभी भी इसके अंदर डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब उस एसेट्स का यूज है उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन में किया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ा इसके अंदर 180 डेज का जो फॉर्मूला बताया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए फुल रेट से लगेगा या हाफ रेट से लगेगा, उसके लिए भी बताया था कि इसके अंदर उसका 180 डेज से मोर देन है तो फुल रेट से, यदि उसका यूज है वो लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही लागू होता है, यानी रिटर्न ऑन वैल्यूज मेथड से ही डेप्रिसिएशन है वो लागू किया जाता है या डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है। और जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो बेटा अपने को एज पर जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग दे रखी है उसी रेट से अपने को डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो आज अपन ने जो इसका जो पार्ट शुरू किया है उसके अंदर अलाउएबल डेप्रिसिएशन, उसके अंदर एसेट्स और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो लिया है एसेट्स और उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कितनी होगी। तो देखिए इसी ट्रेंड के अंदर बड़ा अपना फर्स्ट है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के अलग अलग पार्टीशन किए गए हैं, अलग अलग पार्टीशन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो चार्ज किया जाता है। सबसे पहला जो इसके अंदर अपन ने लिया बड़ा वो है अपना रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यानी एसी बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर हॉस्टल जिसको बोर्डिंग हाउस भी बोल सकते हो आप और होटल, इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, यानी इसको एक्सक्लूड किया गया, इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब एसी बिल्डिंग जो रेजिडेंस के लिए यूज होती है, जिसके अंदर अपने होटल और हॉस्टल है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। वैसे होटल और हॉस्टल दोनों रहने के काम आते हैं लेकिन उसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं माना गया है। तो एसी बिल्डिंग के ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 5% रहेगा, ठीक है। यदि रेजिडेंशियल इसमें बड़ा ज़्यादा आपके डीपली नहीं है इसलिए आपके जो बुक के अकॉर्डिंग तो देखेंगे तो इसके अंदर पूरा डिटेल दे रखा है, लेकिन इसके अंदर अपने कुछ स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए या एज पर अपने जैसे एग्जाम ओरिएंटेड पर्पस मान सकते हैं उसके अंदर जो रेट ज़्यादातर यूज होती है वो रेट अपने इसके अंदर ली है। तो यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उस कंडीशन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो 5% है। उसके बाद जो सेकेंड आता है बड़ा अदर बिल्डिंग। अब अदर बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग आएगी, या तो कोई शॉप है, गोडाउन है, ऑफिस है, या फैक्ट्री बिल्डिंग है, या होटल या हॉस्टल है, ठीक है। इस प्रकार की यदि कोई आपकी अदर बिल्डिंग है यानी कॉमर्शियल बिल्डिंग इसको बोल सकते हैं, जिसमें शॉप है, गोडाउन है, ऑफिस है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, होटल है, हॉस्टल है ना, तो इस प्रकार की यदि कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा अपना 10% होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर टेंपरेरी स्ट्रक्चर बिल्डिंग, यानी कोई ऐसी बिल्डिंग जो एक टेंपरेरी स्ट्रक्चर के रूप में तैयार की गई है ना, यानी उसको एक टेंपरेरी बिल्डिंग बोल सकते हैं जो या तो वुडन यानी लकड़ी की होती है या मड जैसे मिट्टी वगैरह की बनी होती है। यदि इस प्रकार का यदि कोई टेंपरेरी स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है या बिल्डिंग है उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है 40% है। अगर ये टेंपरेरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये जैसे तो गाँव में देखने को मिलती है जैसे कोई वुडन है या कोई मान लीजिए मड की जो ये हाउसेज वगैरह हैं ये गाँव में होते हैं, और जैसे लोग और पुअर्टी वाली जो एक पॉपुलेशन होती है, गरीबी वाली जो एक जनसंख्या जा रही होती है उस जगह अपने को देखने को मिलती है, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन का कहाँ रोल हो गया इसके अंदर। तो देखिए ये डेप्रिसिएशन बड़ा जो ये लगाया गया टेम्परेरी स्ट्रक्चर के अंदर ये उन जगह के लिए जहाँ पे मान लीजिए किसी भी कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट के अंदर मान लीजिए जो लेबरर्स वगैरह
है ना, उनके रहने के लिए एक बार टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है, यानी मड और वुडन की जो स्ट्रक्चर बना के उनके लिए घर प्रोवाइड कर दिया जाता है। यदि उनको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा लाया ले जाया जाए तो वो कॉस्टली रहता है। और उस चक्कर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है बिल्डिंग का, और उसके अंदर उनको रहने के लिए फैसिलिटी दी जाती है, रहने के लिए जगह दी जाती है। तो उस स्थिति के अंदर उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी एक बिल्डिंग का टाइप हो गया, और वो जो डेप्रिसिएशन उसका वो कितना है 40% है। पहले बड़ा ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर के ऊपर आज से अगर 2 या 3 इसके अंदर असेसमेंट पीरियड पहले देखें तो ये जो रेट है वो 100% होती थी, यानी इसको पूरा ही एक्सपेंडिचर माना जाता था। लेकिन अब इसमें इसकी रेट में चेंज कर दिया, अब इसका जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो 100% नहीं है बल्कि कितनी है 40% है, ठीक है। तो ये तो हो गया बड़ा अपना पहला पार्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग में ये ध्यान रखना आपको, यदि वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसके अंदर होटल और हॉस्टल को नहीं लिया गया है, तो उस स्थिति के अंदर बड़ा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितनी होगी 5% होगी, ठीक है। यदि अदर बिल्डिंग जिसके अंदर शॉप गोडाउन वगैरह, जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग जो होती है जिसके अंदर नॉर्मली बिजनेस चलाने के पर्पज के लिए यूज की जाती है, यदि इस प्रकार की यदि बिल्डिंग है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है। उसके बाद ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर बड़ा जिसके अंदर वुडन या मड के बने होते हैं हाउस होते हैं, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो कितनी है 40%, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना बिल्डिंग का पार्ट। उसके बाद में सेकेंड नंबर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 15% है। यदि क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि प्लांट एंड मशीनरी और उसके आगे कुछ भी नहीं रखा है, तो अपन बेटा उसके ऊपर जो नॉर्मल जो रेट से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अपन, उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज करना है। उसके बाद में आता है बड़ा नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड पॉइंट में अपन ने लिए मोटर कार एंड अदर व्हीकल्स, यानी मोटर कार और इसी प्रकार के जैसे अदर व्हीकल्स हैं उनके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अपन इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपने को दे रखें। तो देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट है बड़ा वो है मोटर कार, जिसके अंदर नॉर्मल रेट है वो अपने कितनी लिए इसके अंदर 15% लिए, 15% जो डेप्रिसिएशन है उसके रेट है। फिर सेकेंड अपने लिए है मोटर कार यदि टैक्सी पर्पज के लिए यूज की जाती है, यदि मोटर कार है बेटा और अपने उसको टैक्सी पर्पज के लिए यूज की है, यानी एज ए टूरिस्ट पर्पज के लिए जैसे होती है ना टैक्सी वगैरह अगर बड़ी सिटियों में देखें, तो उस स्थिति के अंदर उसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितनी हो जाएगी 30%। उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट पार्ट इस बार से आया है कि मोटर कार परचेज ऑन और आफ्टर 23 अगस्त 2019, यानी 23 अगस्त 2019 को या इसके बाद कोई मोटर कार परचेज की जाती है, बट बिफोर परचेज एंड यूज 1 अप्रैल 2020, यानी 1 अप्रैल 2020 से पहले ये परचेज और यूज में हो जानी चाहिए। तो ऐसी यदि मोटर कार आपने 23 अगस्त 2019 को या उसके बाद खरीदी है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले आपने उसको परचेज कर लिया और पुट टू यूज कर लिया, तो उस स्थिति के अंदर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितनी होगी 30% होगी, ठीक है। तो मोटर कार के ऊपर बड़ा नॉर्मल रेट है वो 15% है, यदि मोटर कार टैक्सी पर्पज या टूरिस्ट पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। यदि मोटर कार को आपने 23 अगस्त 2019 को या इसके बाद लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीद लिया और पुट टू यूज कर लिया, तो उस स्थिति के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कितनी हो जाएगी 30% हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर कॉमर्शियल व्हीकल्स है, जिसमें मोटर बस, मोटर लॉरी, ट्रक एक्सेट्रा, जिनको अपन हायर पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मतलब किराए पर चलाने के लिए यदि यूज किया जाता है, तो उस स्थिति के अंदर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितनी है इसके अंदर 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपने को लेनी है इसके अंदर, ठीक है। तो मोटर कार के अंदर बड़ा पहले यदि नॉर्मल यूज है तो 15%, टैक्सी पर्पज है तो 30%, और ये पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग तो 30%, और यदि कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी होगी वो 30% होगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है एरो इंजन या एरोप्लेन, यदि है किसी भी मान ली कंपनी की, किसी भी व्यक्ति की, एसएससी की, जिसके पास एरो इंजन या एरोप्लेन है, तो उस स्थिति के अंदर तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कितनी होगी 40% होगी। यदि बड़ा सीप्स या बोर्ड से है तो उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 20% डेप्रिसिएशन लगाना है। सिक्स पॉइंट के अंदर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, यदि आपने कंप्यूटर रख रखा है
या उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके पास है, उस स्थिति के अंदर बेटा जो डेप्रिसिएशन है वो 40% अपने को चार्ज करना। 7th पॉइंट है पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन। यदि फैक्ट्री के अंदर या बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यदि इस प्रकार की मशीन वगैरह इस्टेब्लिश की जाती है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है इस पर्पज के लिए, तो इस प्रकार की असेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो 40% होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बड़े इसमें 8th पॉइंट है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, यानी ऐसे इक्विपमेंट जो आईसीयू वगैरह के अंदर इमरजेंसी के अंदर अर्जेंट के अंदर बड़ा यूज किए जाते हैं लाइफ सेविंग करने के लिए, तो इस प्रकार के जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो 40% है। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा सर्जिकल इक्विपमेंट। सर्जिकल इक्विपमेंट के अंदर जो नॉर्मली सर्जरी के अंदर यूज होते हैं चीर फाड़ के लिए जिसको यूज किया जाता है, तो इस प्रकार की यदि सर्जिकल इक्विपमेंट है उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो 15% है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी यूज फॉर वाटर सप्लाई। यदि प्लांट एंड मशीनरी को वाटर सप्लाई या पानी की सप्लाई के अंदर जैसे वाटर वर्क्स वगैरह होते हैं उनके अंदर पानी की सप्लाई के लिए पंप वगैरह होते हैं, इस प्रकार की यदि मशीनरी लगाई गई है उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितनी होगी, 40% होगी, 40% होगी। ठीक है, ये बड़ा अपने इसके 10 पॉइंट तक लिए हैं, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। एक मिनट के अंदर आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में देखिए बेटा नेक्स्ट अपना वो अपने लिए बुक्स है ना। जो बुक्स होती है बेटा वो भी अपनी असेट होती है, संपत्ति होती है। अब उसके ऊपर जो नॉर्मल जो रेट है यदि बुक्स के ऊपर है वो डेप्रिसिएशन की रेट कितनी मानी गई है, 15% मानी गई है। यदि बुक्स का यूज प्रोफेशनल यूज के लिए यानी प्रोफेशनल पर्पज के लिए यदि अपने बुक्स रख रखी है तो उस स्थिति के अंदर उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 40% है। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल लोग से बड़ा लॉयर है या एडवाइजर देने से रिलेटेड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या अदर कोई ऐसा सेक्टर जिसके लिए प्रोफेशनल यूज के लिए बुक्स वगैरह रखी जाती है तो उनके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 40% है। फिर अब बुक्स फॉर प्रोफेशनल यूज है ये एनुअल एडिशन है। एनुअल एडिशन का मतलब उसका हर साल उसमें कुछ अमेंडमेंट होते हैं उसको अपडेट करने के लिए उसका एनुअल एडिशन है वो निकाला जाता है और एनुअल एडिशन हम प्रोफेशनल्स को परचेज करना पड़ता है। जैसे अपना इनकम टैक्स का बुक है बेटा, अपनी जो इनकम टैक्स की बुक है उसके अंदर हर साल अपने चेंजेस आ जाते हैं, अमेंडमेंट आ जाते हैं, असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है, रेट चेंज हो जाती है, प्रोविजन चेंज हो जाते हैं, तो उसको एनुअल एडिशन को अपने को परचेज करना पड़ता है। तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, 40% है। ठीक है, उसके बाद में बुक्स फॉर लाइब्रेरी पर्पज रखा गया है या हायर पर्पज रखा गया है किराए पर देने के लिए, जैसे बड़ी सिटीज वगैरह के अंदर क्या होती है जो बुक्स होती है वो बेटा किराए पर दी जाती है, यानी स्टूडेंट्स को जो रिक्वायरमेंट होता है वो बुक्स परचेज कर लेते हैं यानी पूरी अमाउंट दे देता है और पढ़ने के बाद जो वो देता है तो वो उसका पेमेंट है वो वापस हो जाता है, तो वो हायर पर्पज होता है, किराए पर दी जाती है उनको। तो या लाइब्रेरी की रखी जाती है उसके ऊपर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना, 40%। ठीक है, तो जो बुक्स है बेटा उसके अंदर यदि नॉर्मल कुछ भी नहीं दे रखा है तो 15% लगाना है। यदि प्रोफेशनल पर्पज है, प्रोफेशनल पर्पज एनुअल एडिशन है या लाइब्रेरी के लिए हायर पर्पज के लिए जो बुक्स रखी जाती है उस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अपने को कितनी चार्ज करनी है, 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे इसके अंदर फर्नीचर एंड फिक्चर्स। यदि फर्नीचर ने फिक्चर्स दे रखा है और उसका यूज बिजनेस में किया जाता है तो उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट से अपना एक फ्लैट रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो है 10% इसके अंदर। नेक्स्ट अपडेट के अंदर इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स के अंदर अपने लिया ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, टेक्निकल नो हाउ है, फ्रेंचाइजीज है, लाइसेंस वगैरह, ये सब जो है वो इंटेंजिबल असेट्स का पार्ट होती है। यदि इस प्रकार की असेट्स है वो बिजनेस में यूज की जाती है, इंटेंजिबल बिजनेस के अंदर है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितनी अपनी लेनी है, 25%। ठीक है, जितनी भी इंटेंजिबल असेट्स है जो अपन यहाँ पे डिस्कस की है यदि इस प्रकार की इंटेंजिबल असेट्स दे रखी है तो उसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना अपने को लेना है,
25% लेना है, ठीक है। तो ये बड़ा अपनी कुछ जो अपने इंपॉर्टेंट जो डेप्रिसिएशन की डेट है वो अपन ने डिस्कस की, जो ज़्यादातर अपने को क्वेश्चन के अंदर यूज़ करनी पड़ती है। बाकी अपनी बुक्स के अंदर अगर अपन देखें प्रोविजन वाइज अपने को बहुत सारी जो रेट दे रखी है लेकिन उसका उतना यूज नहीं है अपने एज ए मतलब बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए, ठीक है। अब अपन इसके अंदर ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये बड़ा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो मैंने आपको बताई है, जो लिखाई है अभी जो आपको बताई है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे, यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखी है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन कर रहे हो, अदर सब्जेक्ट के अंदर रेट अपने को दी होती है उसी रेट से लगाना होता है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जो अपने को रेट दे रखी है एज पर एक्ट के अकॉर्डिंग उसी रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। फुल रेट से लगाना है, हाफ रेट से लगाना है, वो बड़ा इसके अंदर वो सेकंड अपने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था, वो इसका एक सेकंड मैटर, ठीक है, कि अपने कितना यूज किया, कब परचेज किया, उसके अकॉर्डिंग उसके टाइम के अकॉर्डिंग वो डेप्रिसिएशन है वो फुल रेट से या हाफ रेट से लगाए जाते हैं। ये तो अपने बड़ा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और ये बेसिक बातें वो कंप्लीट हुई इसके अंदर। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसके अंदर वो आ रहा है इसके अंदर ग्लो ऑफ एसेट्स। देखिए किसी भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए ब्लॉक ऑफ एसेट्स है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, कि डेप्रिसिएशन पर अब एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सबसे पहले उसका ब्लॉक कैलकुलेट किया जाता है। अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लॉक का मतलब होता है कि सेम नेचर और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के एसेट्स को एक ही ब्लॉक में रखा जाता है। जैसे नेचर वाइज अगर अपन देखें, जैसे बिल्डिंग है और बिल्डिंग की अगर नेचर के अकॉर्डिंग यदि अपने पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो जितनी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज की जाती है उसको अपन एक ही ब्लॉक में रखेंगे। लेकिन अपने पास बड़ा ये मान के चलते हैं जिसमें तीन बिल्डिंग है, तीन बिल्डिंग के अंदर दो बिल्डिंग है वो तो रेजिडेंशियल पर्पज़ है और एक बिल्डिंग है जो अपने ऑफिस इसके अंदर है ना इस्टेब्लिश कर रखा है अपना बिजनेस का, तो उस स्थिति के अंदर उसमें दो ब्लॉक बने क्योंकि उसकी नेचर है वो तो बिल्डिंग है, क्योंकि दोनों ही तीनों बिल्डिंग अपने पास नेचर वाइज अगर अपन देखें तो एक है, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो डिफरेंट है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग उस पर 5% लगता है और यदि कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, तो उसकी जो ब्लॉक है वो दो ब्लॉक होगी इसके अंदर। उसके बाद में जैसे अपन ये मानते हैं कि कॉमर्शियल बिल्डिंग जिसमें अदर बिल्डिंग ली थी अपन ने और फर्नीचर एंड पिक्चर दे रखा है उसके भी दो ब्लॉक बने, क्यों, क्योंकि रेट दोनों में सेम है, अदर बिल्डिंग के ऊपर 10% है और फर्नीचर एंड फिक्सर के ऊपर भी 10% है, लेकिन नेचर दोनों की अलग अलग होगी क्योंकि ये बिल्डिंग अलग चीज होती है और फर्नीचर एंड फिक्सर अलग होते हैं। तो यदि सेम नेचर और सेम रेट की यदि कोई असेट्स अपने को दे रखी है उसको अपन एक ही ब्लॉक के अंदर दिखाते हैं, और यदि उनमें से कोई भी एक चीज डिफरेंट होती है तो नेचर डिफरेंट होती है, रेट डिफरेंट होती है, तो उसको अपन एक ही ब्लॉक में नहीं रख सकते, उसके लिए अपने को अलग ब्लॉक बनाना पड़ता है। तो जो ब्लॉक है बेटा उसके अंदर उसकी कैलकुलेशन का एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है, एक है ना इसके अंदर फॉर्मेट है, उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपने इसका ब्लॉक है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है वो अपन बना लेते हैं इसका। सबसे पहले इसमें लिखें बेटा ओपनिंग, रिटन डाउन वैल्यू, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, यानी बेटा इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं या इस ब्लॉक के अंदर नेचर और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होने के कारण जैसे दो तीन चार जितनी भी मान लीजिए बिल्डिंग है उसकी ओपनिंग जो रिटन डाउन वैल्यू है जो अपने को क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी सबसे पहले अपन इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऐड करना है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट्स,
ठीक है, यानी ऐसी एसेट्स जो करंट ईयर के अंदर परचेज किए, प्रीवियस ईयर के अंदर अपने परचेज किए, उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेनी। यहाँ पे देखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब है कि यदि आपने किसी एसेट्स को परचेज किए, उसको परचेज करने के बाद उसको लाने और लगाने का जो एक्सपेंसेस है वो उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यदि आपने किसी एसेट्स को परचेज किया, परचेज करने पर उस एसेट्स को लाने और उसको लगाने, यानी उसको कैरेज का चार्जेस और उसको स्टेब्लिश करने, इंस्टॉल करने का जो चार्जेस, उसके एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। यदि आपने कोई सेकेंड हैंड मशीन परचेज की है, या कोई एसेट परचेज की है, या कोई फर्नीचर परचेज की है, तो उस स्थिति के अंदर उसके ऊपर फर्स्ट टाइम जो आपने उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर किस रूम में मैडम, एज ए रिपेयर के रूम में। ठीक है, ओवरऑल जो उसकी रिपेयर का जो चार्जेस है वो भी उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले अपन वो जो भी कॉस्ट अपने परचेज की है उसका एक्सपेंसेस प्लस उसकी परचेज कॉस्ट है वो इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करते ही अपना क्या आ जाएगा, वो आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इसको ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स अपना कैसे निकलते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स अपना इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग WDV, उसके बाद में करंट ईयर के अंदर जो भी एसेट्स अपन ने परचेज की है उसकी टोटल जो वैल्यू वो ऐड कर देंगे, वो जो आएगा वो अपना क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सेल ऑफ एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये माइनस हो जाएगा। सेल ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर या डैमेज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। ठीक है, या कोई एसेट बड़ा कोई मान लीजिए बाय फायर या कोई नेचुरल कैलामिटीज के कारण क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका इंश्योरेंस क्लेम अपने को मिल रहा है वो अपन इसमें लेंगे, या वो एसेट्स लेंगे जो अपन ने करंट ईयर के अंदर क्या कर दी, सेल कर दी, उसी ब्लॉक के लेंगे जिस ब्लॉक की अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उस रेट और नेचर की यदि कोई एसेट्स आपने सेल की है या डैमेज के कारण कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह प्राप्त हुए हैं वो अपन इसमें से लेंगे, और इसको अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, माइनस करने के बाद में ये जो वैल्यू आएगी बेटा अपन इसको ले आएंगे नीचे, इसका माइनस करने के बाद में अब जो वैल्यू अपनी जो आई है ये वाली, इसको लेस करने के बाद में इसके ऊपर अपन लेस करेंगे अलाउबल डेप्रिसिएशन। Allowable depreciation, ठीक है, इसके ऊपर कितना depreciation अपन ने allow किया, वो depreciation इसमें से माइनस हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो हो गया आपकी written down value for next previous year, यानी अगले जो साल है उसकी जो WDV है ये कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ा आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैलकुलेट करने का पूरा एक स्टेटमेंट है, जिसके एक अंदर अपन क्या क्या लेंगे, सबसे पहले ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू लेंगे उस ब्लॉक की, जिस ब्लॉक की आपके एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें अपने को जो भी कॉस्ट है एसेट्स की जो अपने करंट ईयर के अंदर परचेज की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कर दीजिए बड़े, इसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर अपने जो परचेज की है वो इसमें ऐड करेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से अपन ने कोई भी यदि सेल की एसेट्स उस ब्लॉक की वो, या कोई डैमेज अपने डैमेज से रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम मिला है, या बड़ा इसको अपन स्क्रेप की कोई अगर मिली है तो वो भी इसमें ले सकते हैं,
वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की जो वैल्यू है, जो वैल्यू क्या कहलाएगी, डब्ल्यू डी भी कहलाएगी, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर की बेटा अपने लिए यूज होगा, जिसके अंदर नेक्स्ट ईयर के अंदर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद में एक बात और ध्यान में रखना बेटा, इसके से रिलेटेड दो पॉइंट है स्पेसिफिक, वो ध्यान रखना। यदि किसी ब्लॉक की असेट्स को यदि 100% सोल्ड कर दिया जाता है, यानी किसी ब्लॉक के अंदर जितनी भी असेट्स है, यदि उन सभी असेट्स को यदि सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं निकलता है, अलाउबल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। क्या बताया, यदि किसी ब्लॉक की असेट्स को, यदि सभी असेट्स को यदि सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो उस स्थिति के अंदर उस असेट्स के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, बल्कि कैपिटल गेन या तो कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो अपना बड़ा फोर्थ जो हेड है इनकम का, वो वही आएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन के बाद, तो या तो गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा। कब, यदि आपने उस असेट्स की सभी, उस ब्लॉक की सभी असेट्स को बेच दिया, सेल कर दिया उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड एक नोट और आता है बेटा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि किसी भी असेट्स की सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट ऑफ असेट्स से ज्यादा है, मोर देन कॉस्ट ऑफ असेट्स है, तो उस स्थिति के अंदर भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बल्कि उसके ऊपर कैपिटल गेन है, वो काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसके लिए मैं बताता हूँ, जैसे अपने कोई फर्नीचर है, उसका डब्ल्यू डी मान लीजिए कितने 20,000 है, अपने करंट ईयर के अंदर 25,000 रुपये का और खरीदा, तो टोटल कितना हो गया 45,000, ये तो उसकी कॉस्ट ऑफ होगी। अब ये कह रहे हैं कि अपने पास एक पुराना फर्नीचर था जिसको अपन ने 60,000 रुपये में सेल कर दिया, तो यदि बेटा इसको यहाँ पे माइनस 60,000 करते हैं तो ये नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी ब्लॉक की असेट्स की है ना सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट ऑफ असेट से ज्यादा है, इस अमाउंट से ज्यादा है, जैसे इसमें 60,000 है उसमें 45,000 है, तब भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बल्कि उसका कैपिटल गेन है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसके दो नोट है, दोनों नोट्स बेटा ध्यान में रखना है। पहला, यदि ब्लॉक की टोटल असेट्स को यदि सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा, बल्कि कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस काउंट होगा। सेकेंड है, यदि किसी ब्लॉक की कॉस्ट ऑफ असेट्स है, उस कॉस्ट ऑफ असेट्स से उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होने पर भी उसके अंदर अपन उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि उसका कैपिटल गेन है वो काउंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा अपना ब्लॉक ऑफ असेट्स है, ब्लॉक ऑफ असेट्स का ये फॉर्मेट है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बड़ा अपने आज इसके अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और उसके बाद में इसके अंदर ब्लॉक ऑफ असेट्स है वो अपने इसके अंदर कैसे अपने निर्धारित करते हैं वो अपने इसको लिखा है इसमें। ठीक है, अब उसके अलावा इसके तो कुछ प्रोविजंस और हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा ही है, वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बड़ा इतना ही, ओके।